तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक तंग होकर आई हूँ, एक टाइम से मैं सबको बर्दाश्त कर रही हूँ। कभी हम ये लेकर आ रहे हैं तो कभी हम वो लेकर आ रहे हैं। मुझे उन सबको ये बोलना है कि आप सब वेट किस चीज का कर रहे हो। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। किस चीज का वेट कर रहे हो कि कब मतलब सितारा आकर हमारे आगे हाथ जोड़ेगी, माफी मांगेगी तो हम रुकेंगे, वरना हम नहीं। आई एम सॉरी बाबू, यहाँ पर आकर डाल दो सब कुछ। डेली का ये तमाशा मुझे सबका नहीं देखना। जिसको जिसका दिल करे कि सितारा को 10 लोग मार रहे हैं तो 20 लोग और भी साथ में मिल जाओ। तो क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। तो तुम लोगों का तमाशा मैं इतने टाइम से बर्दाश्त कर रही हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कि आगे रिक्वेस्ट करनी है कि लगा दो, जो भी आपके पास है ना लगा दो। आपको डर किस बात का है? मतलब किस चीज से आप डर रहे हो? आपको जो जो दिल करे आपका, जितना तुम लोगों ने मुझे अजियत दी है, जितना मुझे तुम लोगों ने टेंशन दी है यहाँ पर, अब मैं एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि है तुम लोगों में इतनी हिम्मत ना तो बातें मत करो, कुछ मत बोलो, सिर्फ यहाँ पर आकर लगा कर मुझे दिखा दो कि ये लो सितारे ही तुम्हारी पिक्चर है, ये लो सितारे ही तुम्हारी ये है। ठीक, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। सब के सब जितना भी लाइव में बैठे हो सबके सब ना मर दो। मर्द का नाम मर्द के नाम पर दबाओ सबके सब, जिसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है यूट्यूब पे आकर। खुदा तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा। बोल रही है और मैं अपील कर रही हूँ यहाँ पर पाकिस्तान में, जिस करो हाथ जोड़ के मैं, और मैं अपील कर रही हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट से भी आकर कि इन सब के सब के चैनल ब्लॉक किए जा रहे, इनको सजा दी जाए। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। और मैं अगर अपनी जान देती हूँ या फिर मैं यहाँ पर मरती हूँ तो मेरी मौत की जिम्मेदारी सबके सब चैनल वाले ही होंगे। मालूम है तेरे बाप को? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। देखिए, जिन्होंने रात दिन लाइव में 5-5, 6-6 घंटे की चलाकर सिर्फ मेरी इज्जत का तमाशा बनाया है और अपने चैनल चमकाने के लिए डेली आ जाते, हम ये लगा रहे हम वो लगा रहे हैं। तुम लोगों की औलादे नहीं है, तुम लोगों की बेटियां नहीं है। खुदा का खौफ भी नहीं है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। मेरे हस्बैंड को फोन आ रहे हैं, कभी किसको फोन आ रहे हैं, सितारा को बोलो आज माफी मांगे, कभी किसको फोन आ रहे हैं, सितारा को बोलो आज माफी मांगे। पूरा खानदान मतलब सबके सब एक साथ मिल गए, यहाँ पर इंसानियत नहीं है, सबको सिर्फ अपने चैनल्स की पड़ी। वो यूट्यूब से ही क्यों इंसाफ चाहिए? आखिर कोर्ट क्यों नहीं है इनके पास? कोर्ट पे क्यों नहीं जाते? What? Bro, what are you talking about, man? तुम सब से ना रिक्वेस्ट करके जा रही हूँ, ठीक है, कि लगाओ, अगर है हिम्मत ना लगाओ, जो मर्द के नाम पर ना तुम लोग धब्बा हो ना मर्द हो सबके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खुदा तुम लोगों को दिखाएगा और तुम लोग रोगे, याद करोगे वो दिन के तुम लोगों सब ने मिलकर एक लड़की की इज्जत का तमाशा बनाया था और तुम लोगों की इज्जतों के तमाशे बनेंगे। चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। खानदान से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे घर पर प्लीज मत आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी माँ की आह लगेगी, ठीक है, तुम सबको मेरी माँ की आह लगेगी। समझ रहे हो ना? इन्होंने मेरा तमाशा बनाया, जिन्होंने मेरे साथ ये किए, और इंशाअल्लाह जो हमारा केस है तुम लोगों को जरूर मैं सजा दिलवा कर जाऊंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। अगर मैं मर गई तो मैं तुम सबका नाम लेके जाऊंगी, तुम चैनल वालों की वजह से मेरे साथ ये हुआ है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? कोई तरीका है भीख मांगने का?